Hello students, in this lecture we are going to study about magnetic field lines. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्टडी करने से पहले लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आपको याद होगा मैंने उसमें आपको बताया था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसको डिफाइन किया था हमने कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट is the direction of the resultant forces acting on the hypothetical north pole placed at that point. तो उसमें resultant force मतलब जब भी हम magnetic field की बात करते हैं किसी भी particular point पे, तो जो भी वहाँ पे field lines होंगी, जो भी force उस पर act हो रहे होंगे, और जब हम कंपास उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रखते हैं तो क्या होता है, एक नेट फोर्स होता है जो कंपास वहाँ पे हम रखते हैं वो शो करता है। तो वो जो कंपास जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वही हमारी होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पे हमें आज वही स्टडी करना है और कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं ये स्टडी करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख नहीं सकते। और अगर हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते तो हम लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए और प्रैक्टिकली उनको फाइंड करने की कोशिश की। तो अगर हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, these are the lines, the magnetic field lines are the lines drawn in magnetic field along which the north magnetic pole would move. तो magnetic field lines को अगर define करना है तो magnetic field lines are the lines that are drawn in magnetic field. हमने कल magnetic field पढ़ा था कि एक magnet के चारों तरफ एक region होता है जिसमें वो force exert करता है, तो उसी पर्टिकुलर रीजन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं उस फोर्स के लिए। सो दे आर द लाइंस दैट आर ड्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से मतलब है उस कंपास के नॉर्थ पोल से वो जिस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा वही हमारी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, या वही हम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है, और मैंने आपको बताया था बार मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जब हम लोगों ने इसके प्रैक्टिकल्स किए और हमने अलग अलग जगहों पर क्या किया, कंपास को रखने की कोशिश की। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे जब हमने कंपास को रखा तो कंपास की जो डायरेक्शन थी, यहाँ पे एरो शो करता है नॉर्थ पोल और ये एंड होता है साउथ पोल ऑफ द कंपास। तो ऐसे हमने क्या किया, अलग अलग पॉइंट्स पे कंपास को रखना स्टार्ट किया,
जब हमने अलग अलग पॉइंट पे कंपास को रखा तो हमें क्या मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते गए, कंपास को अलग अलग पॉइंट पे रखते गए और हमें जो नॉर्थ पोल है कंपास का, ये सभी नॉर्थ पोल है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट होते चले गए। स्टार्ट हुआ से एक कंटिन्यूस पाथ मिलता चला गया और ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुई और जाके एंड हो गई साउथ पोल पे। ठीक है, तो इस तरीके से इस कंपास की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया। अब इसका एक प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हाँ, लेकिन एक प्रॉपर्टी ज़रूर यहाँ से हमें मिल गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ऑरिजिनेट होती हैं नॉर्थ पोल से और एंड हो जाती है साउथ पोल पे। ठीक है, तो दिस इज द वे और द प्रोसेस जिसके हेल्प से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ट्रेस किया। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट ए पॉइंट, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी थी, तो ये क्या होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ, या हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हमने ये वाला कंपास रखा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ पोल की, ये हमारा क्या है, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल जो हमने यहाँ पे रखा है, जिस तरफ वो पॉइंट करेगा वही होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब एक प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस बार मैग्नेट के लिए। तो एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि कंपास वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्टडी किया। तो कंपास की डेफिनेशन भी यहीं से आती है कि डिवाइस दैट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड कंपास। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट क्या था, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक बार, तो इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी बनती हैं। और अब अगर इसकी डायरेक्शन हम ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो नॉर्थ पोल पर जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। और साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए बार मैग्नेट।
ठीक है। तो इस टाइप का पैटर्न हमें एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली मिलता है जब हम लोग कंपास की हेल्प से इन लाइंस को प्लॉट करते हैं। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ की, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो एक प्रॉपर्टी तो हमें यहाँ पे समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं दे स्टार्ट और ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। दिस इज आउटसाइड मैग्नेट। इनसाइड मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ होता है क्योंकि ये कंप्लीट लूप बनता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है। और ये जो लाइन्स हो रही हैं तो ये स्ट्रेट ऐसे यहाँ से आ रही होगी और ये स्ट्रेट दूर जा रही होगी, ठीक है। इन लूप्स को हम कंप्लीट नहीं कर पाते तो उसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। तो जितने रीजन में ये लाइंस फैली रहती है यही हमारा पूरा रीजन होता है मैग्नेटिक फील्ड। और इस पर्टिकुलर रीजन में अगर कोई भी चीज़ को हम लेके आएंगे जैसे आयरन, तो वो क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा और अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन इस रीजन से अगर दूर कोई चीज़ रखी जाएगी तो उस पर वो कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। अब इसमें हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तीन प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड एंड एट द साउथ पोल। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर एट पोल्स एंड वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये हमारी तीन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं नॉर्थ पोल पे और एंड होती हैं साउथ पोल पे। दूसरा, हम लोगों ने रे डायग्राम ड्रॉ किया था या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम, तो उसमें देखा था कि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा पास पास में होती हैं और बाकी जगहों पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर होती हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स एंड वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। अदर प्लेसेस से मतलब है बीच वाली जो जगह होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब सर्किल बनाती हैं तो वो ज़्यादा दूर हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू पोल्स, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट और हमें मिलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज़र हैं तो उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो आंसर है सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होती है वो पोल्स पे होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट
ईच अदर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो अगर बात आती क्यों नहीं करती, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका रीज़न ये है, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने ड्रॉ किसके हेल्प से किया है, कंपास के। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंपास को रखते तो वो हमेशा क्या करेगा, एक डायरेक्शन शो करेगा। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि एक पॉइंट ऐसा मिल गया हमें जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। अब ये बताइए, अगर हम इस पॉइंट पे कंपास को रखते हैं तो कंपास तो केवल एक ही डायरेक्शन शो कर पाएगा, लेकिन उसको दिखाने के लिए कितनी डायरेक्शन हो गए यहाँ पे, टू। और हम जानते हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ट्रेस किया है कंपास की हेल्प, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकता। इसीलिए हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ़ ए कंपास इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन इट वुड शो टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो दो डायरेक्शन किसी भी एक पॉइंट पे शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास केवल एक ही पॉइंटर है, एक ही नॉर्थ पोल है, तो वो हर एक पॉइंट पे केवल एक ही डायरेक्शन को शो करेगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू।